नीमच जिले में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामले को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। परिषद ने मांग की है कि लव जिहाद के मामले बढ़ने और इसमें निकाह कराने वाले धर्मगुरुओं का सक्रिय योगदान सामने आने पर प्रशासन से मांग है कि कई निकाह मामले विवादास्पद आते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि किसी मामले में अंतरजाति की शंका हो तो ऐसे निकाह नहीं किए जाएं। यदि ऐसे विवाह होते भी हैं तो उसे मान्यता नहीं दी जाए। मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा बंद कमरे में निकाह करा दिया जाता है, इसकी सूचना प्रशासन को भी दी जाए। आज विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है और क्या मांग है प्रशासन से? देखिये, पिछले 2-3 वर्षों से नीमच जिले में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और अभी तात्कालिक 2-3 घटनाएं हमारे संज्ञान में आई है कि महिला थाने में कुछ बहनों ने जो आवेदन दिए हैं, जिसके ऊपर आवेदन के ऊपर कार्रवाई भी हुई है, ऐसा संज्ञान में आता है कि धर्मगुरुओं द्वारा केवल एक बंद कमरे में निकाहनामा पढ़वा कर या लिखवा कर उनको संज्ञान में न होते हुए भी उनसे हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर धर्मगुरु इस निकाह में लव जिहाद में अगर उनकी सहभागिता है तो विश्व हिंदू परिषद इसका कड़ा विरोध करता है और प्रशासन से मांग करता है कि धर्मगुरु जो हैं वो प्रशासन को अवगत कराएं। अगर अन्य हिंदू बहन का लव निकाह या इस प्रकार से निकाहनामा पढ़वाते हैं तो हिंदू समाज को भी अवगत कराएं, ताकि भविष्य में ऐसी लव जिहाद की घटनाएं बढ़े ना और समाज में आक्रोश पैदा ना हो। इतना ही आग्रह है। क्या है मामला? जिस प्रकार की आए दिन पिछले 1-1.5 साल से घटनाएँ घट रही है, लव जिहाद का विषय बढ़ता जा रहा है। 2 मामले ऐसे संज्ञान में आए जिसमें लव जिहाद का विषय सामने आया है, तो हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से यही मांग करते हैं सभी धर्मगुरुओं, सभी समाज के धर्मगुरुओं से कि अगर हिंदू समाज की बहन बेटी किसी दूसरे समाज में से शादी होती है, उसकी पूरी जानकारी प्रशासन को दी जाए, ताकि लव जिहाद का विषय ना पड़े और कोई समाज में आक्रोश ना पैदा ना हो। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।